मैं अरुण जैन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन मार्बल टी स्टेट इंडिया लिमिटेड। मार्बल चाय 1994 से अपना परचम देश के सभी राज्यों में फैला रहा है। आज हम हरियाणा, पंजाब, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू के हर स्टेट में हैं। तकरीबन हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रीमियम डस्टी, मार्बल येलो चाय, मार्बल रेड चाय, मार्बल गोल्ड पत्तियाँ चाय, ये सब ब्रांड है जो हमारे सभी मार्केट में फैल रहे हैं। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है रूरल एरिया, जहां हम 80% सेलिंग करते हैं। हम CSD, कैंटीन, आर्मी, ट्रेन, शताब्दी, इन सब में हमारी चाय, डिप चाय जो है वो अच्छी तरह सेल हो रही है। हमारा उद्देश्य चाय बेचना नहीं है, बेसिकली आप लोगों के दिलों में जगह बनाना है, जो कि चाय तो सेल हो जाती है पर आप लोगों के दिमाग में मार्बल को छा जाना है। हम चाहते हैं हम भी आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़े, और ट्रेड फेयर में भी हम रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमें बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी मिला है 27 नवंबर को, और इस सब की चीज़ों की खुशी से आज हम काफ़ी उजगार और ग्रोथ की रेट पर हैं। धन्यवाद। हमारे पास पहले मैं आपको एक बार ये स्टॉल दिखाना चाहूँगा जो हमें आज विनिंग प्राइज़ मिला है ट्रेड फेयर की तरफ से, ये वो है। और मार्बल येलो चाय देखिए, हमारे पास 5 ब्रांड है। मार्बल येलो चाय ये सबसे मेरा प्रीमियम ब्रांड है। उसके बाद मेरा ब्रांड आता है मार्बल गोल्ड पत्तियाँ, फिर है मेरा मार्बल रेड। मार्बल रेड बेसिकली एक ऐसा ब्रांड है जो लोग चाहते हैं कि चाय में रंग देखना, मार्बल रेड उनके लिए है। मार्बल गोल्ड पत्तियाँ वो चाय है जो लंबी लंबी लीफ पीना चाहते हैं दानों के साथ, ये उनके लिए है। और डस्ट चाय मेरी है साउथ के लोगों के लिए, जो लोग चाय की जगह चूरा पीना चाहते हैं ये चाय उनके लिए है। ये सब तीनों चाय, चारों चाय मेरी मार्बल चाय को पूरा करती है। मार्बल चाय के साथ साथ हम मार्बल हॉस्पिटल, मार्बल ट्रिप, मार्बल बिल्ड वेल, मार्बल रियल एस्टेट 5 ग्रुप के अंदर भी फैले हुए हैं। धन्यवाद। जयेश पांडे है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएंगे, क्या कुछ खास? हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा है मैडम कि अगर एक बार कोई टेस्ट कर लेगा तो उसको ऐसा लगेगा बार बार कितना खा लूँ मैं, पूरा थाली भी खा लेगा तो उसका मन नहीं भर पाएगा। एक गुजराती डिश है खमन ढोकला जो फेमस है, ये हमारी ऑलरेडी तलोद जो है हमारा वो ब्रांड नेम है, और तलोद अहमदाबाद से 60 किलोमीटर नेम ऑफ तालुका प्लेस, तलोद तालुका प्लेस है, उसके नाम से हम बहुत आगे बढ़े हैं। अभी फिलहाल बॉम्बे में 1.5 साल से हम आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे में हमारा बड़ा नाम है जो तलोद खमन ढोकला नाम से बहुत फेमस है। और दिल्ली में आप फर्स्ट टाइम आए? दिल्ली में इधर जो ट्रेड फेयर में हम फर्स्ट टाइम है, बाकी आहार में पहले कर चुके हैं हम 1 साल पहले। तो कैसा रिस्पांस रहा आपका? रिस्पांस बहुत बढ़िया। आज तो भीड़ इतनी सारी है कि वो जो खा के गए हैं वो बोलते हैं कि बस ढोकला दे दो, पोहा दे दो, गुलाब जामुन दे दो, सब दे दो। एक बार अभी लेडी आके गई, बोल रही थी मेरे से नहीं भी बन पाएगा तो बिगड़ गया तो भी मैं बना के खा लूँगी, लेकिन खाऊँगी सही। चलिए आपका रिस्पांस अच्छा रहा। थैंक यू। सबसे मशहूर खमन है अहमदाबाद का, दिल्ली के अंदर में हमारा परमानेंट स्टॉल चलते रहते हैं। खमन जो बंदा एक बार खा लेगा वो टेस्ट कहीं नहीं छोड़ेगा इसका, हर कंपनी का। तो दिल्ली की मार्केट में इजीली अवेलेबल है? अवेलेबल है, हर मार्केट में अवेलेबल है। जो बंदा एक बार इसको क्लिकिंग करता है, अपने घर पे बनाता है, तो सेम चीज़ ऐसी बना सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। मार्केट में लेते हैं पानी वाला, लेते हैं लोग पानी डोल के देते हैं, तो यहाँ पे पानी नहीं है इसके अंदर, आप बनाइए घर पे आराम से खाइए। चीज़ ऐसी है कि एक बार आप खाएंगे, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह ग्लूटेन फ्री आइटम है। ये जो कलर आ रहा है हल्दी का कलर है, कोई केमिकल कलर नहीं है। अदर प्रोडक्ट में केमिकल कलर होते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना लगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बीमारी लगे। इसलिए हमने जो चीज़ रखी है कस्टमर को दिखाने के लिए रखी है कि ये चीज़ आप बना सकते हैं घर पे आराम से खा सकते हैं। जैसे उपमा हो गया, इडली हो गई, डोसा हो गया, दाल वड़ा हो गया, लोग क्या करते हैं नहीं है थोड़ा महंगा है, महंगा है, लेकिन चीज़ आप लगा रहे हैं पैसा लगाओगे चीज़ भी लगती है।
लेकिन इसके अंदर में ग्लूटेन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। बंदे क्या करते हैं, केमिकल डाल दिया, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे हम लोग सबके बारे में सोच के चलते हैं ना। कंपनी 35 साल पुरानी है, लाइसेंस हमारे पास 25 साल पुराने हैं। हमने सब में मेंशन करा 25 साल सिल्वर जुबली में, जिसमें हमने अभी नई पैकिंग अपनी लॉन्च करी है। पहले हमारी ये पैकिंग चलती है, अब यह नई पैकिंग आई है। ये अभी हमने नई पैकिंग लॉन्च करी है दिल्ली के अंदर में। ऑल इंडिया के अंदर में हमारी ऐसी पैकिंग अभी लॉन्च हुई है, ये दिल्ली के लिए स्पेशल लॉन्च है। तो आपने दिल्ली में मार्केटिंग के लिए कैसे? दिल्ली मार्केटिंग हमारी पूरी टीम दिल्ली की है, यहाँ के सारी टीम हमारी दिल्ली की लगी है। मार्केटिंग हमारी रेगुलर है, स्टॉल्स लगते हैं, परमानेंट स्टॉल्स हमारे पर डे के डे टू डे ग्रस जाती हैं, अपना स्टॉल्स लगाती हैं। वहाँ पर भी हमारी प्रमोशन चलती रहती है, वहाँ पर भी कस्टमर्स हम सिखाते हैं कि ये खाना दीजिए। हम मेन सिखाने के पर्पज से हैं, हमारा मेन मकसद नहीं है कि बेचना, हमारा मेन मकसद है कि कस्टमर सीखे क्या चीज़ वो बना सकते हैं, क्या चीज़ खा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में जाते हैं, आप जो खपन लेते हो आपको नहीं पता कैसे बना रहे हो। आप अगर बंदा वो देखोगे आप खाना छोड़ देंगे। बंदे पैर मार रहे हैं, हाथों से गोल रहे हैं, कैसे गोल रहे हैं, लेकिन हम चीज़ जो दे रहे हैं इसके अंदर में कोई चीज़ मिक्स नहीं कर रहे। इसके अंदर सीधा है, बेसन है और सोडियम है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर में लगे कि आप बच्चे की किसी की कोई तबियत खराब होगी, नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर में हमारी 11-12 आइटम्स हैं। एक ब्रोशर दलोद कंपनी का है। इसके अंदर हमारे क्या है कि नमक चीनी कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता, नॉर्मल पानी में पेस्ट बनाना होता है और 20 मिनट इसको स्टीम करना पड़ता है। जैसे इसको खोलेंगे, खोल के इसमें जो ड्राई पाउडर है इसको किसी भी बर्तन में निकालेंगे अपन, और नॉर्मल पानी में पानी की मात्रा इसमें लिखी हुई होती है, पानी की मात्रा लिखी हुई होती है, उतना पानी लेके नॉर्मल पानी में पेस्ट बनाना है। पेस्ट अच्छा तैयार हो जाए उसके बाद में इसमें एक पुड़िया निकलती है। पुड़िया देना, एक पुड़िया देना नामा जी, नामा पुड़िया पुड़िया रखिए ना, पुड़िए है कटोरी में घोल के, और वो भी इसी में मिलाएंगे। मिलाते ही ये 3 गुना फूल जाएगा। फूलने के बाद में इसको अच्छी तरह दोनों को एक रूप मिक्स करके फिर इसको स्टीम के लिए चढ़ाते हैं। घड़ी में टाइम देख के 20 मिनट स्टीम करना है इसको। बस स्टीम से निकालने के बाद में इस तरह का भाप होने के बाद में ये निकलेगा। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी, सादा पानी इस पर फैलाएंगे, फैला के चाकू से काट लेंगे। काटने के बाद में फिर हम अलग से तड़का बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म करते हैं, ऑयल गर्म करते हैं, ऑयल में राई डालते हैं, वो पकने के बाद में हरी मिर्च डाल देते हैं, उसको पकने के बाद में इसमें नॉर्मल वाटर ऐड कर देते हैं, वो तड़का तैयार हो गया। वो तड़का इस पर चाकू से काटने के बाद में फैला देंगे और खाएंगे। इसमें खट्टा मीठा नमक चीनी कुछ नहीं डालना पड़ता, जबकि और कंपनी में खट्टा नींबू पानी डालना पड़ता है, चीनी डालनी पड़ती है, हमारे में कुछ नहीं ऐड करना पड़ रहा, सिर्फ नॉर्मल वाटर के अलावा, और ये खाने को तैयार हो जाता है। ओनली इसमें चने की दाल का बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की चने की दाल का अपना बेसन होता है, बस यही होता है। इसमें कलर केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं होता है इसके अंदर, अच्छी क्वालिटी की दाल से तैयार किया हुआ। जो छोटा पैकेट है उसमें क्या आइटम होती है? छोटा पैकेट जो इसमें मिलाना होता है ना, ईस्ट होता है उसमें, जिसको अपन सोडा कहते हैं साधारण भाषा, ईस्ट कहते हैं वो होता है, उसी से इस बन जाता है इसके अंदर। मेरा नाम ओपी शर्मा है, कंपनी का सीईओ हूँ।
और एक कंपनी खुशी फूड्स लिमिटेड, बहुत ग्रोइंग कंपनी है, इस अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, और अभी सेल्स कर रहे हो, अभी लॉन्च हमने किया है अपना खुशी स्पेशली गार्लिक मैजिक, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैजिक गार्लिक का, और ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बहुत अच्छा इकोनॉमिकल है, हाइजीनिकल है, विद नो प्रिजर्वेटिव्स, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक, का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा हमको। अभी हमने गुजरात में लॉन्च किया है, जम्मू लॉन्च कर दिया, जयपुर लॉन्च कर दिया, साउथ में लॉन्च करने वाले हैं, दिल्ली से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, और उसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, जैसे पब्लिक लाइक, हमको रिपीट ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं हमें जी। ये दिल्ली की मार्केट में जैसे प्रगति मैदान में जी, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है? यस यस यस, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये सेंट्रलाइज ऑफिस बनाया है यहाँ पे दिल्ली में, जिसके प्रोडक्ट के टेलीफोनिक नंबर भी दिए हुए हैं, होम डिलीवरी भी करेंगे हम लोग इनिशियली, अगर कहीं दिक्कत आ रही किसी क्लाइंट को, तो ऑफिस नंबर है। होम डिलीवरी के लिए कोई क्वांटिटी होगी? एक पाउच भी देने जाएंगे अभी, बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या पब्लिक, दैट इज आवर वीक ना, अभी हम अवेलेबल नहीं है, तो हम एक पैकेट देने भी जाएंगे दिल्ली एनसीआर, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक घर पे पहुंचे, मैक्सिमम हो जाए पहुंचे, उससे कोई वैल्यू नहीं, 200 रुपए का मिनिमम, 500 कोई इशू नहीं है, इवन एक पैकेट भी हम देने जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इज सर्व टू द कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मिसिंग मोटो, इन टर्म वी वांट टू सर्व बेटर क्वालिटी, डिलीवरी एक पैकेट में जाएगा, एक पैकेट में कितनी गार्लिक तैयार हो जाती है? 25-30 के बीच बन जाती है, जो नॉर्मली जो ब्रेड आती है अपने यहाँ पे 25 ब्रेड के करीब हो जाता है, और इसका बनाने का तरीका बहुत इजी है, आप पैकेट खोलिए, उसमें देखिए आप लिखेंगे मिलाओ लगाओ खाओ लिखाओ, आप इसमें सिंपल ये है कि आप प्रोडक्ट को खोलिए, बटर में मिक्स कीजिए, या चीज़ में कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं, घी में कर सकते हैं, और सिंपली स्लाइस पर लगा दीजिए, और एक पैकेट से 25 स्लाइस बन जाती है, और इसके अलावा इसके मल्टी फंक्शन भी हैं, आप इसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, आप स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी आप घर में यूज़ कर सकते हैं इसको, गार्लिक नान गार्लिक पराठा में तैयार होगी नहीं, ओवन में कर सकते हैं, ओवन में भी आप, वैसे भी ड्राई भी कीजिए, ये देखिए आप प्रोडक्ट ड्राई चल रहा है आपको, और पब्लिक स्पेशली हाउस वाइफ बहुत पसंद कर रही है इसको, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट। माय नेम इज ओपी शर्मा, सतपाल अरोड़ा। हाँ, और बेसिकली अभी जो आजकल यंगस्टर्स दे आर गोइंग टू ईट दी गार्लिक ब्रेड एट रेस्टोरेंट डेमिल जाते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट घर में सर्व करने दिए, तो आप घर में कॉस्ट इफेक्टिव से अच्छे घर पर बेटर क्वालिटी बना सकते हैं, सॉरी, और वहाँ के जो आप वहीं गए घर में बनाइए, नो नीड टू गो टू रेस्टोरेंट डोमिनो जाए या अपने पिज्जा हट में जाए, आप घर में बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, और बहुत अच्छा बनेगा ये प्रोडक्ट, देखिए मैं गार्लिक ब्रेड का। एक चीज़ मैं आपसे खास जरूर पूछना, प्लीज कि क्या ये प्योर वेजिटेरियन है? एब्सोल्युटली 100% प्योर वेजिटेरियन है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जैसे जो पिज़्ज़ा कंपनीज हैं जी जी, ये अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो उसमें जो है बीफ जेलेटिन यूज़ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा देखिए ये जो प्रोडक्ट है इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी का है, इंडियन कंज्यूमर के लिए है, और उनके ट्रस्ट और फेथ को मेंटेन करते हुए 100% प्योर वेजिटेरियन है। आपको जरा सा भी कोई पॉइंट अगर रहा है, कोई भी शिकायत आती है, तो हम ये बुरा पॉकेट बिना एजेंट लेंगे। ये दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ये ऑनियन ग्रेवी, ये इसके अलावा और ऑनियन ग्रेवी है, हमारे एक्चुअली भी है 5 variants of प्रोडक्ट। ये पोटैटो मैजिक प्रोडक्ट है, पोटैटो मैजिक बहुत इजी प्रोडक्ट है, पोटैटो पाउडर फॉर्म में है, यू नीड टू ऐड विद वाटर, पानी में ऐड कीजिएगा और ये प्रीमिक्स बन जाता है, यानी कि इसके अलावा आप स्पाइस ऐड कीजिए, घर में अच्छा पराठा बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर यंग डायरेक्टर मिस्टर जगदीश शर्मा। हाय, मैं जगदीश शर्मा हूँ, खुशी फूड्स कंपनी का MD का भतीजा हूँ, और हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, हमने 5 प्रोडक्ट के साथ आपको सर समझा दिया, सर समझा दिया, एक गुलाब जामुन पैकेट है, ऑनियन पकौड़ा मैजिक है, पोटैटो मैजिक है, गार्लिक मैजिक है, और ऑनियन ग्रेवी मिक्स है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है गार्लिक मैजिक, गार्लिक मैजिक हम जितना ज़्यादा घरों में पहुँचाएँ उतना ज़्यादा हमारे लिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह एक MDH है, हल्दीराम है, बादशाह है, एवरेस्ट है, इन्होंने सबने अपने गर्म मसाले निकाले हैं सब्जी में डालने के लिए, हमने एक ऐसा मसाला तैयार किया है जो किसी कंपनी ने अभी तक नहीं निकाला है। ये एक हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, हम चाहते हैं कि पब्लिक पूरी इसको एंजॉय के साथ हर एक चीज़ में इसको अप्लाई करके एक अच्छी डिश बना के घर पे उपयोग मिले। और बेसिक मोटो इज जस्ट वी वांट टू सर्व द इंडियन कंज्यूमर बैक एट होम एट बेटर क्वालिटी इकोनॉमिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट विद नो प्रिजर्वेटिव। द USP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज विद बेटर क्वालिटी प्रिजर्वेटिव नो प्रिजर्वेटिव 100% प्योर एंड इजी टू प्रिपेयर कुक बेटर क्वालिटी बेटर टेस्ट।
तो ये आपकी कोई वेबसाइट भी अगर कोई जैसे लॉगिन करके जी बिल्कुल हमारा वेबसाइट है डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट दें दिस इज www.khushifoods.com इज द वेबसाइट हम लोगों ने ब्लेंड स्पाइसेस सारे बनाए हैं चकदे ब्रांड से जो इंडिया में अब लॉन्च किए हैं जिसको एक साल हो गया हमें लॉन्च किए हुए और इसमें हमारे पास सारे वैरायटीज़ हैं वेज और नॉन वेज ग्रेवीज के लिए चाहे वो मीट चिकन हो चाहे वो चना सांभर वगैरह हो जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है वी वाउच फॉर इट कि हम लोगों ने मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पर बनाई है इसके लिए वी आर इनफैक्ट फर्स्ट कंपनी पूरे नॉर्थ इंडिया में स्पाइसेस की जिसकी प्रेमिसेस को इनफैक्ट यूएस फूड इंस्पेक्टर्स भी ऑडिट करके जा चुके हैं वी हैव बीन अप्रूव्ड बाय देम एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन नॉर्थ इंडिया जिसके पास ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्लांट लगा हुआ है स्पाइसेस का वी वांटेड कि कंज्यूमर्स के पास बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचे बिकॉज अब तक जो कंज्यूमर्स खा रहे थे दे वर यूजिंग एन लो ग्रेड प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता था सो आवर फोकस वॉज कि कंज्यूमर तक राइट प्रोडक्ट शुड रीच एंड दे शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर हेल्थ एंड क्वालिटी मसालों में इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग होता है इतनी ज़्यादा क्वालिटी से प्रॉब्लम करते हैं पीपल आर आजकल आप रोज सुनते होंगे कैंसर हो रहा है मार्केट में वन ऑफ द रीजन्स इज लो क्वालिटी स्पाइसेस बट जो हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वी कैन अश्योर दैट येस दोज प्रॉब्लम विल नॉट अराइज दैट प्रॉब्लम इज एफ्लोटॉक्सिन जो हमारे मसालों में नहीं होती है तो इस तरह के क्वालिटी मेंटेन करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है मार्केट में आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर में फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया है बिकॉज ब्रांड न्यू है फर्न या न्यू साइट रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर लॉट ऑफ डीलर इंक्वायरीज डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरीज प्लस कंज्यूमर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया प्रोडक्ट को दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर्स ने बहुत लाइक किया प्रोडक्ट को दे हैव कम अगेन एंड अगेन टू बाय द प्रोडक्ट थैंक यू आपने ब्लशर देंगे मेरा नाम सुरजीत है सर आप इसके बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएंगे हमें हाँ ये एपीजे ग्रुप का टाइफू एपीजे ग्रुप का है यूके प्रोडक्ट है एपीजे ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था आज से 5 साल पहले ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पर अपना इसको ट्रेड में फर्स्ट टाइम लगाए हैं हम लोग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है रिटेल मार्केट में अवेलेबल है मॉडर्न ट्रेड में अवेलेबल है इंस्टीट्यूशंस में हम लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें आपने तीन आपने बताई हैं टीम है तो उसके बारे में हमारे पास में इसमें तीन अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं एक फ्रूट इन्फ्यूजन्स हैं फ्रूट इन्फ्यूजन्स में हमारे पास में ब्लैक करंट है इन्फ्यूजन्स है ब्लैक करंट है ऑरेंज है लाइम एंड लेमन है और इसके साथ में हमारे पास में फ्लेवर टीज है 12 एसक्यूज है हमारे पास फ्लेवर टीज में हमारे पास में कार्डमम है जिंजर मसाला अर्ल ग्रे इसी तरह के अलग अलग फ्लेवर्स हैं और एक हमारे आता है ब्लैक टी जो कि अपना एसटीबी कॉफी के साम है वो ब्लैक टी है असम टी दिल्ली हाँ रिटेल मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी हम लोग रिटेल मार्केट में हम लोग यहाँ पर 500 आउटलेट्स में कर रहे हैं
दिल्ली प्लस एनसीआर मिला के, और मॉडर्न ट्रेड में अवेलेबल्स हैं जितने भी मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट हैं लाइक बिग बाजार, 24/7 स्पेंसर्स, नेचर बास्केट्स, नीड्स, मॉडर्न ट्रेड सब। दिखा दो रेंज दिखा दो सारे रेंज दिखा दो एक और किसी का फोन आ गया ना।